आज मैं बिना प्याज लहसुन के आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी और वो भी 10 मिनट में, और टेस्टी सब्ज़ी बनाऊंगी। कुकर में बनाऊंगी, कुकर में सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है। कुकर गर्म हो गया तो इसमें मैंने सरसों तेल डाल दिया और अब इसमें पचफोरन का छौंक दिया है, ये थोड़ा हींग दिया और एक तेज़पत्ता दे दी हूँ। अब इसमें हरा मिर्च और अदरक को जो मैंने चॉप्ड करके रखा था उसे डाल दिया। अब ये परवल डाल रही हूँ, परवल को भी मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया और आलू को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन सबको आपस में चला लेंगे। सबको अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा हल्दी डालूंगी। हल्दी डालने के बाद अब मैंने थोड़ा मिर्च डाला है, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। थोड़ा धनिया पाउडर डाली हूँ और अब सबको आपस में चलाते हुए कम से कम इसे 10 मिनट तक भूनना है। इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे तो इसका मसाला जल जाएगा, फिर सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा से भुन गया, तो इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। देखिए मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मसाला भुन गया है। अब इसमें थोड़ा हम पानी डाल देंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हमारा सब्ज़ी डूब जाए उतने तक ही पानी डालूंगी। और इसे फिर से एक बार चलाकर अब कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी और इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ एक विसल आने पर गैस को बंद कर दूंगी। देखिए सब्ज़ी हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकती हैं। अब इसे मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। कलर ही सिर्फ सुंदर नहीं है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी इसी तरह से बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी बनाइएगा और अपना कमेंट हमारे साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।